मन तो कर रहा है इसको बुक कर लूं, बट नहीं, सपने थोड़े और बड़े हैं हमारे। बात तो सही है। ऑल राइट, सो हे गाइज, वॉट इज अप, कैसे आप सभी लोग? गाइज आशा करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। गाइज तुम्हारा भाई भी एकदम अच्छा है। तो गाइज आज आप लोग को इस व्लॉग में भाई मैं अपनी ड्यूक 250 की थर्ड सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ भाई इसकी सर्विस करवाने के लिए। ठीक है, जब से आप लोग को बताया भाई मैं अपनी हर्षिल ट्रिप से आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी पावर है ना, और इसका जो मतलब कि हमारा वो होता है ना यार, गंदा क्या हो जाता है अंदर से, अरे कहना क्या चाहते हो, जो भी हो जाता है यार, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इसमें दिक्कतें सी आ रही है, चेन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो आई थिंक मुझे चेन स्प्रॉकेट भी इसका चेंज करवाना पड़ेगा, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि भाई खर्चा होने वाला है मेरा। ठीक है, और ऊपर से मेरा जो माइक है ना भाई हर्षिल जाके वो भी बिक चुका था, तो उसको भी मेरे को नया परचेज करना पड़ेगा, तो आज माइक भी लेना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा सर्विस के लिए, फिर आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि भाई ड्यूक 250 का जो सर्विस कॉस्ट है थर्ड सर्विस का वो कितना आता है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी। ठीक है, आप लोग को आज मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आज इस वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो चलो चलते हैं, और पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। ट्रिप के बाद मैंने एक भी बार गाड़ी को वॉश नहीं कराया, एक बार आप चेक कर लो। तो गाइज ये देखो, ये अपनी बाइक है, और भाई साहब आप लोग को पता नहीं भाई दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, पर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये देखो भाई, बिल्कुल टायर चेन मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है ना, चेन भी थोड़ी लूज़ हो गई, और पीछे से देखो भाई, ये देखो भाई साहब, ठीक है, ये देखो ध्यान से, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है भाई, ऊपर से देखो, ये देखो। ठीक है, तो अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा देहरादून, वहाँ से पहले मैं माइक लूँगा अपना, ठीक है, उसके बाद सीधा वहाँ से जाएंगे सर्विस सेंटर। ठीक है, फिर देखते हैं आज कितनी क्या कॉस्ट आती है भाई। ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है कुछ 11 बज चुके हैं, और फटाफट निकलते हैं सीधा देहरादून की ओर। ऑल राइट, सो गाइस तुम्हारा भाई सर्विस सेंटर पहुंच चुका है भाई। ठीक है, अभी मैंने रास्ते में से ना माइक ले लिया है भाई। ठीक है, अभी उसको मैंने मतलब आपको बताया पूरी पैडिंग खोलनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को फिट करनी पड़ेगी। तो गाइस मतलब मैं बाइक से तो भाई आप लोग को नज़ारे दिखा नहीं पाऊँगा, उसके लिए मैं रियली सॉरी। और छोटे छोटे से ना मैं आज काम करूँगा, छोटे छोटे शॉट डाल दूँगा, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अभी एक क्या करते हैं, मेरी बाइक ना सामने ही खड़ी है, ये देखो भाई बाइक मेरे सामने ही खड़ी है, अभी ये जाएगी सीधा अंदर। उसके बाद भैया ने बोला जो उसके आगे के ब्रेक पैड है ना भाई, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, आई थिंक जो पीछे वाले रियर के वो भी ना ख़त्म हो चुके हो। तो अभी देखते हैं भाई टोटल कॉस्ट कितनी आती है, मैं आप लोग को बता दूंगा जो चीज़ इसमें डल रही है। ठीक है, और बाकी जो सर्विस का है वो मैं आप लोग को अलग बता दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, सो गाइस मैं अभी सर्विस सेंटर में हूँ भाई साहब, और आप लोग को ना मैं वर्जन 3 दिखाना चाहता हूँ, जो कि लॉन्च हुए हैं अभी ड्यूक, हमारे ड्यूक बाइक के भाई, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मन तो ऐसा कर रहा ना कि अभी बुक करा लूँ अपनी ड्यूक, बेच के ना 390 ले लूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है, एक बार आप लोग को भी ना मैं चेक कराता हूँ। तो गाइस यू कैन चेक दिस आउट भाई, यहाँ पे ड्यूक 390 खड़ी है हमारे नए वाले वर्जन 3 के साथ, और ये देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई, मतलब भाई मैं बैठ के देखा ना इस पर काफ़ी ज़्यादा आगे से ना हैवी लुक आ रहा है इसमें, तो भाई X3 किट भी इसके लिए सब कुछ नहीं वगैरह बनवानी पड़ेगी आई थिंक। तो भाई साहब कुछ ऐसा लुक है भाई, देखो 390 का काफ़ी बड़ी डिस्प्ले कर दी है इसमें। ठीक है, और मतलब वेट रिडक्शन करने के लिए इन लोगों ने, बाकी आप एग्जॉस्ट देखो भाई, अंडर बेली आप ये चेकआउट करो भाई, अंडर बेली एग्जॉस्ट कर दिया इन लोगों ने, और मतलब जो भी है ना भाई साहब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा। और ज़रा ये देखो भाई TFT कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है ना, और ये आई थिंक सोल्ड है टू रजत रावत। ओके, सो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन रजत भाई। तो भाई ये ड्यूक 390 कुछ ऐसी है, और ड्यूक 250 थोड़ी सिमिलर है, बट जो आगे से है ना वो काफ़ी चेंज है भाई। भाई ये देख सकते हो आप, इसमें जैसे कि आप लोग को उसमें दिख रहा होगा ना 390 में, उसमें आपके साइड में जो DRLs है, इसमें क्या है, इसमें आपके अंदर DRLs है भाई, साइड में सिर्फ यहाँ पे ऑरेंज है, बाकी सब कुछ डिटो है, लग बहुत सुंदर रही है भाई वाइट वाली भी, नो डाउट। इसमें गाइज आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक ये वाला खड़ा है ऑरेंज एंड वाइट, एक खड़ा है सामने जो कि ब्लैक एंड ऑरेंज, ये चेकआउट कर सकते हो आप, ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है भाई नो डाउट। इसकी जो मिरर्स है ना भाई वो भी बहुत ज़्यादा ना यूनिक और स्लीक कर दिए, और इन सब की ना जो आप ये देख सकते हो भाई सारे आपके ये बटन्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के कर दिए भाई, यहाँ तक कि इसमें भी TFT, बट एक कलर नहीं है, ये आपकी नॉर्मल TFT है। ठीक है, कलर्ड वाली हमें मिलती है एज यूजल,
390 में, ठीक है। एक ये खड़ी है भाई, और एक अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये आप चेकआउट कर सकते हो, एक ये वाली हमारी वर्जन 3 खड़ी है भाई साहब। और भाई साइड से लोग बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, बैठ के मैंने इस पर चेकआउट करा। शॉर्ट राइडर्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सही है, आप इसमें आराम से मिनिमम जो 5-2 के भी है ना, आराम से इजीली इसको राइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे भाई, तो इसमें भाई MRF का टायर लगा हुआ है ड्यूक 250 में, ठीक है, जो कि 150 सेक्शन का ही है। और इसमें आप देखोगे ना 390 में, तो इसमें गाइज आपको मैटजिलर का टायर मिलता है जो कि 150 सेक्शन R17 रेडियल टायर है, ठीक है। बाकी देख लो भाई, कुछ सीन लुक ऐसा है इन बाइक्स का। और आप एक बार ना ज़रा ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, भाई यहाँ तो फिसल भी रहे इतने ज़्यादा, ये चेकआउट कर सकते हो आप, कुछ व्लॉगिंग का सीन यहाँ से ऐसा लुक आएगा। सोल टू रजत रावत, एडवांस में फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। इसके मिरर्स आप देख लो भाई, एकदम यूनिक और स्लीक। मेन ही है ना इसमें भाई, इसमें आपको जो हैंडल है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसमें पोजीशन आपकी बहुत सही है, और हल्का सा आप आगे झुकोगे ना तो आपको भाई यहाँ से लाइट ना सारी विजिबल होती है, जो बहुत बढ़िया लुक देती है भाई। भाई इस बार KTM ने अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा, वी ऑल आर इम्प्रेस्ड। मन तो कर रहा है इसको बुक कर लूँ, बट नहीं, सपने थोड़े और बड़े हैं हमारे अभी, तो ये भी कम नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉकेट रॉकेट है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी है, और मेरी बाइक सर्विस सेंटर में है पीछे। एक और खड़ी है भाई यहाँ पे, आई थिंक हाँ, और 3390 खड़ी है जो वर्जन 3 में है। आई डोंट नो, आई थिंक सारी की सारी सोल्ड आउट है भाई, बट ये भी है KTM ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, वेरी गुड। मन तो कर रहा है लेने का, पर क्या करें, अभी ले सकते भाई, और अच्छी बाइक आएगी। तो चलो ठीक है, चलते अपनी बाइक के पास। तो गाइस ये लोग आप देख सकते हो भाई, कितनी बुरी हालत हो चुकी है भाई एयर फिल्टर की। भाई ये देखो भाई, क्या हालत हो गई है भाई, मतलब कैसे दिखाऊं मैं आप लोग को भाई। तो इसी वजह से भाई, जो मेरी थ्रॉटल बॉडी थी ना, थ्रॉटल बॉडी इन द सेंस मतलब जो उसका एक्सीलरेशन, वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो भैया नुकसान हो गया। तो गाइज मैंने वैसे ट्राई कर लिया, टेस्ट ड्राइव ले लिया है, तो ठीक है, बढ़िया चल रही है। क्या भाई ये एक्सरगेट भाई, ये ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, ये भी ऑनलाइन मंगवाई थी, ग्राफिक्स खुद करिए। कैसी लग रही है सुबह कहाँ पे? हाँ हाँ, मैं वहीं से आ रहा था नीचे से ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। तो गाइस चलो मैं अब आप लोग को भाई दिखाता हूँ कि मेरे हाथ में ये रहा बिल, कि इसमें क्या क्या लगा है, और मेरी कितनी आई थर्ड सर्विस की कॉस्ट। ठीक है भाई, तो चलो दिखाया जाए आप लोग को भाई। तो गाइस आप लोग ना ध्यान से देख सकते हो भाई, चीज़ें देख लो, पहला पैकेट डला है इसमें, इंजन ऑयल डला है, ठीक है, 20W50, ठीक है, ऑयल फिल्टर डला है, किट फ्रंट ब्रेक पैड विद शिम, ठीक है, मेरे में मेरे फ्रंट वाले एक्चुअली ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो ये डले है भाई। उसके बाद हमारे में फिल्टर डला है, ठीक है, हमें दो ये पड़ा है लास्ट में, देख ले टोटल 1580-79 का हमें पड़ा है ऑयल फिल्टर, 420 की हमें पड़े हैं भाई ब्रेक पैड, जिसमें हमारी लेबर भी ऐड हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद आप देख सकते हो 258 हमें पड़ा है भाई साहब फिल्टर एयर के लिए, ठीक है। तो गाइस मेरा टोटल हुआ है 2300, कितना होता है 37,337। इसके बाद इसमें जो लेबर कॉस्ट ऐड हुई है भाई, वो आप यहाँ देख सकते हो भाई, ठीक है। इसमें मेरी जो इन्होंने लोगों ने चेन ल्यूब्रिकेंट विद मॉड्यूल
भाई मेरे मेरे सामने तो मॉडल देखो लगाया नहीं, बट चेन ल्यूब्रिकेशन जरूर करी है उसका। इन्होंने 177 लिया यार, ये मैंने बहुत गलत कराया। ठीक है इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेता उसको, चेन साफ़ करवा लेता, 50 रुपये में हो जाती यार, अपने बचते भाई 100 रुपये से ऊपर बचते कम से कम। उसके बाद इन्होंने मिसलेनियस लेबल लगाई है जो कि 147 रुपीज़ है, और ये 147 आई थिंक इसी की लगी है, जो हमने ब्रेक पैड लगाया ना आगे उनका लेबर का कॉस्ट आया। उसके बाद भाई साहब बस यही दो चीज़ मेन थी, तो 324 प्लस 23 37 प्लस कर दिया तो भाई ये बना 2662 2662। तो ये मेरा टोटल आया भाई, जिसमें आप लोग ये इसको माइनस कर सकते हो 420 को। ठीक है तो अप्रोक्स हाँ मेरा इतना ही आ रहा है गाइस, 2100 रुपये के समथिंग। अगर मेरे ब्रेक पैड नहीं डलते तो भाई मेरी जो कॉस्ट आती ना सर्विस की, तो वो 2100 रुपये के समथिंग आती, बट ब्रेक पैड डला है तो इसलिए मेरी 2600 चली गई। ठीक है तो चलो भाई अब बस चलते हैं फटाफट यहाँ से घर, इसको रखते हैं बैग में और यहाँ से निकलते हैं सीधा घर के लिए। ओके सो गाइज मैं सर्विस सेंटर से निकल चुका हूँ भाई, और मतलब मैं गाइज आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ भाई, आप लोग को ना यहाँ आगे से काफ़ी खाली खाली लग रहा होगा। तो गाइज मैंने भैया को बोला था कि आप जो मेरा मोबाइल होल्डर है उसको टाइट कर दो, उन्होंने इतना टाइट करा कि वो नीचे से ना टूट ही गया भाई, और मतलब क्या बताऊँ यार नुकसान हो गया भाई, बस नुकसान हो गया। और गाइज आप लोग के लिए ना एक और चीज़ मतलब सरप्राइजिंग आने वाली है, तो बस जिसने भाई जो वीडियो देख रहा है ना तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मज़ा आने वाला है भाई। अभी नहीं बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चलो यहाँ से लेते हैं भाई यू टर्न। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा भाई बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, नो ट्रैफिक रूल्स आर ब्रेक। तो गाइज मैं अपनी नानी के घर पहुंचने वाला हूं भाई, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूं ना कुछ खाना वाना खा के जाऊं नानी के घर से। और ये देखो भाई गेहूं कट रही है भाई, गेहूं